रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख। साथ हम इस प्रोग्राम की जानी बातें ताकि जो है वो लोगों को भी हमारा जो है प्रोग्राम का मकसद सामने बाज हो जाए कि प्रोग्राम करने का मकसद क्या है हमारा। The go ahead to diplomatically isolate Pakistan. Pakistan is clearly cornered. India has gradually and successfully isolated Pakistan. Decision taken in that meeting, which has the nod of the Prime Minister, as you referred, is that India needs to isolate Pakistan at every level, at every corner. Akela China Pakistan ke saath hota hai. Puri duniya hamare saath hoti hai. Pakistan stands isolated. India has said it will ensure the complete diplomatic isolation of Pakistan. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Arabia, the ambassador of Pakistan. Well, I would say we've never been closer with Pakistan than we are right now. America, China, Russia, and Pakistan have come together to hammer out a peace deal with the Taliban. This new strategic alignment on Afghanistan is causing India a great deal of discomfort. Not only does it leave India out of the decision-making loop. There are many people in Afghanistan that want peace, and the fact that Pakistan is taking a more progressive and a more vocal step towards this is an appreciation. But I believe there is a positive change in recent times. Pakistan has tried.
पाकिस्तान के लिए बरतानिया के बाद अमेरिका, नॉर्वे और पुर्तगाल ने भी पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने देखा कि भारतीय मीडिया जो है वो आज से दो साल कबल चीख पुकार कर रहा था कि पाकिस्तान को हमने आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म मोदी जो है भारतीय, उनकी तकरीर थी, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तन्हा है, चाइना के अलावा पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं, पूरी दुनिया एक तरफ है और चाइना पाकिस्तान सिर्फ दोस्ती नज़र आ रही है। भाई साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप इस चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान के अंदर ये बेचैनी की कैफियत क्यों पैदा की जा रही है? भी आई तो नवाज शरीफ साहब की तरफ से मामलात खड़े हुए, असेंबली में मुद्दत बहुत कम पूरी की, अभी लास्ट जो गुज़िश्ता दो टर्न ओवर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ साहब का, वो पूरा होते हुए नजर आया, लेकिन उसके बाद दोबारा हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो एकदम जनीवा कन्वेंशन, फिर आप देखें इमरान खान साहब ने जो तकारीर की यूनाइटेड नेशन के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर का मुकदमा भी लड़ा और एक बार फिर कश्मीर के हवाले से बहुत सारी सूरत हाल सामने आना शुरू हुई, लेकिन अब जो सूरत हाल है, आपको ऐसा लगता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हीरो ऑफ द नेशन है, मैं तो यही, मेरा तो मानना यही है कि उनका एक ख्वाब था अल्लामा इकबाल का, जिसको कायदे आज़म ने जो है वो परवान चढ़ाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा है, उन्होंने अपने हाथ से अपनी डायरी के अंदर तहरीर किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिटिश सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर जो आप जमहूरियत जिसको कहते हैं, उसकी बजाय जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी सदारती निज़ाम बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जमहूरियत के असरात नज़र नहीं आ रहे, आज भी नज़र नहीं आ रहे, बेशक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है लेकिन ग्रास रूट लेवल पे तो जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आती। समझते हैं कि आवाम जो देखना चाहती वही हमारा मीडिया दिखा रहा है, वही आवाम देखना चाहती जो हमारे टॉक शोज में दिखाया जा रहा है, ये मिसाल बना के लोग कह देते हैं कि भाई जो आवाम देखना चाहती है आ रहे हैं, वही चीज नहीं सी है कि आप किसी भी मुल्क को कमजोर करने के लिए उसकी अफवाज को अगर आवाम के अंदर इस तरह कर दिया जाए कि उसकी वैल्यू खत्म कर दी जाए और उसकी अफवाज को बदनाम कर दिया जाए, तो उस मुल्क को आप जहर कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दुनिया की उन बेहतरीन अफवाज में से है जो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की कामयाबी की जिम्मेदार भी अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अफवाज पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, और दुनिया को अगर कोई खतरात लायक है तो अफवाज पाकिस्तान से ही लायक हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको, क्यों? क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को शिकस्त देना नाकाबिले यकीन है। अफवाज पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम बहुत मोहब्बत करती है और उस मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए बैरूनी ताकतें मुख्तलिफ साजिशों के तहत मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल कर रही है, इसका हिस्सा मुझे उम्मीद है कि आवाम हमारी बिल्कुल नहीं बन पाएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करते रहने की, वो आपको पसंद आएगा, आप अपना फीडबैक देना चाहे तो हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें फेस टू फेस विद महबूब शेख। पाकिस्तान जिंदाबाद।